सादर नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मैं दीप राम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक का नाम है व्यवहार। तो व्यवहार जो है, जिसको हम इंग्लिश में बिहेवियर भी बोलते हैं, तो हम कैसा बिहेव करते हैं लोगों के साथ में, कैसा व्यवहार करते हैं हम किसी के साथ में। तो क्या है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में अच्छा बिहेव करें, तो हमें भी दूसरों के साथ में अच्छा बिहेव करना होगा। तो इसके अंदर जितने भी, इस दुनिया के अंदर जितने भी रिलेशनशिप हैं, चाहे वो मतलब बॉस का हो या सबॉर्डिनेट का हो या परिवार के अंदर हो, जितने भी जो रिश्ते हैं उनके अंदर जो प्रेम है, प्रेम की जो प्रगाढ़ता है या मधुर जो संबंध है, वो सारा का सारा आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। आप सामने वाले से कैसा व्यवहार करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का हर बार की तरह, हमारा जो एक जो घर का बगीचा है, इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो लगभग 150 से ज़्यादा हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए यदि कहानियों का सहारा लें तो समझने में शायद ज़्यादा आसानी होती है। तो एक समय की, मतलब बहुत समय की पहले की बात है, कि एक जो राजा थे, उनको बोला रात में सपना आया और सपने के अंदर उनकी एक पुण्य आत्मा, या यूँ कहे कि एक साधु महाराज से बात हो रही थी। तो साधु महाराज उस राजा से बोल रहे थे कि कल रात को कि एक जो विषैला जो सर्प है, मतलब सांप है, वो मतलब आपको डस लेगा और उसके डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये देखिए कि, और वो आपसे मतलब पूर्व जन्म का वो बदला आपसे लेगा। तो इसमें मतलब पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, मतलब वो शत्रुता का बदला लेगा आपसे। तो इसमें देखिए कि सुबह हुई, राजा सोकर उठा, तो सपने की बात, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो वो ये विचार करने लगा। मतलब राजा ऐसे सोच में पड़ गया कि मुझे आत्मरक्षा के लिए क्या क्या मतलब उपाय करने चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। और उसने जो वो मतलब साधु था, उसने ये भी बोला था कि वो मतलब जो आपका जो राज्य है, वो पास में ही वो एक मतलब पेड़ है, वहाँ पर एक मतलब पेड़ की जो जड़ है वहाँ पर वो बिल में रहता है। लेकिन राजा ने जब सोचते उसने ये नहीं सोचा कि मुझे उस सर्प को जाके ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि मतलब सारा खेल ही ख़त्म हो जाए। जो सोचते सोचते वो इस निर्णय पर पहुँचे कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। देखिए कि आपका जो मधुर जो व्यवहार है, आज हम जब देखते हैं, चाहे वो मतलब पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे वो बाप बेटे के रिश्ते हों, चाहे माँ बेटी के रिश्ते हों, जितने भी जो रिश्ते हैं, उनकी जो सारी की सारी जो नींव है वो व्यवहार के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन जब राजा जब अंतिम अपने निर्णय पर पहुंचा, तो उन्होंने यही कहा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। तो उन्होंने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निर्णय किया। तो देखिए कि उन्होंने क्या कि शाम होते ही उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया और जगह जगह पूरे रास्ते के अंदर मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि जब सिर्फ निकले तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, उसको मतलब वो आराम से मेरे सैया तक आ जाना चाहिए। तो देखिए शाम हुई और सांप अपने बिल से निकला और वो महल की तरफ निकल दिया। आगे जैसे जैसे मतलब बढ़ता गया, तो उसको जो व्यवस्था को देखकर वो आनंदित होता गया और कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, जो मन भावनी सुगंध का आनंद लेता हुआ आगे बढ़ता रहा और जगह जगह जो मीठा जो दूध रखा गया था उसको पीते हुए मतलब आगे बढ़ता चला गया। तो देखिए कि जब वो सांप अपने बिल से निकला तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में था। उसने निश्चय किया था कि मुझे आज हर हाल में मतलब राजा को डसना है और उसको मृत्यु तक पहुँचाना है। तो देखिए कि इस मतलब क्रोध के स्थान पर उसमें संतोष और प्रसन्नता के भाव बढ़ने लगे और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही उसका क्रोध कम होता चला गया। और राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा, उसमें प्रवेश किया तो देखा प्रहरी और जितने भी द्वारपाल जो सशस्त्र खड़े हुए हैं, परंतु जरा भी उसको हानि पहुँचाने की चेष्टा उन्होंने नहीं की। तो असाधारण सी लगने वाले इस दृश्य को देखकर सांप के मन में स्नेह मतलब प्यार उम्र पड़ा और सद्व्यवहार नम्रता मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। और कहाँ वे राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुँचाने
के लिए आने वाले शत्रु के साथ ऐसा जिस मधुर व्यवहार है उसका, उस धर्मात्मा उस पन्न आत्मा राजा को मैं कैसे काटूं, किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक मतलब पहुंचा वो, और सांप का जो उसने जो दृढ़ निश्चय करके आया था कि मुझे ये काटना ही है, वो पूरी तरीके से बदल गया। उस उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। सांप ने राजा से कहा कि राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य, तुम्हारा मधुर व्यवहार, सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया, मेरा मन पूरी तरीके से बदल दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रख लीजिए। इतना कहकर वो मणि राजा के सामने रखकर चला गया। देखिए, कहा तो वो जो सर्प है वो सांप है, राजा को काटने आया था, अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए आया था, ले उसके मधुर व्यवहार ने, उसके सद व्यवहार ने उसके मतलब उसका पूरी तरीके से मन बदल दिया, और वो इतना खुश हुआ सांप कि उसने अपनी जो अनमोल और कीमती जो मणि है वो प्रसन्न होकर, खुश होकर वो राजा को दे दी। तो इस वीडियो के माध्यम से, मतलब कहानियों के माध्यम से हम देखिए कि कहानियाँ मतलब ज़िंदगी बदल सकती हैं। कि हम जब बचपन में भी थे तो हम हमारे जो आजकल तो शायद देखने को भी नहीं मिलता, जो दादा दादी है, नाना नानी है, उनसे मतलब जब रात के टाइम में हम कई बार एक एक बजे तक, बारह बारह बजे तक उनसे कहानियाँ सुना करते थे, तो कहानियों का हमारी जो ज़िंदगी है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और विशेषकर तब पड़ेगा जब कहानियों के अंदर हम रम जाएँ, उनके अंदर कैरेक्टर को हम महसूस करें, तभी उनका असर पड़ेगा। तो इस कहानी के माध्यम से, जो कहानी का नाम था व्यवहार, इसे कैसे राजा के मधुर व्यवहार से सांप का मतलब पूरा जो उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो दृष्टिकोण था, वो पूरी तरह बदल गया। तो हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर यदि अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, उसको मतलब सुखी बनाना है, तो हमारे जो संबंधों को हम मधुर बनाएं, वो कहीं भी जो हमारे किसी भी कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे परिवार हो, उसकी जो जो जाए जैसे कोई कंपनी है जो उसका जो मधुर व्यवहार है आपका कस्टमर के साथ में, और मतलब अपने जो सबॉर्डिनेट के साथ में, उनके साथ में आपका जो मधुर व्यवहार है वो किसी भी कंपनी की प्रोग्रेस में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है, और आपके जो परिवार है उसके अंदर जो खुशियों का जो जरिया है आपका मधुर व्यवहार ही काम आता है। तो इस तरीके से आप हमने एक छोटी सी हम एक वाक्य इसके अंदर बताना चाहेंगे। ऐसे ही जो हमारी जो कंपनी है, किसी ग्राहक का टेलीफोन मतलब ख़राब हो गया था, तो वो 8-10 दिन से सही नहीं हुआ, तो वहाँ पर वो आया बहुत ही, ये मेरी आंखों देखी बात है, वो बहुत ही गुस्से के अंदर आया। तो वहाँ पर जो उपस्थित जो अधिकारी थे, देखिए अधिकारी ने तुरंत उनको बैठने के लिए कहा, मतलब बैठने के लिए कहा उनको, वहाँ पर पास में ही मटका था, उसको पानी पीने के लिए मतलब एक गिलास पानी दिया, और तुरंत उन्होंने अपने पियोन से बोला कि साहब के लिए मतलब चाय लाइए आप। तो ये देखिए कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो 8-10 दिन से जो टेलीफोन बंद था, वो एकदम मतलब टोटली चेंज हो गया उनके व्यवहार को देख के, और उन्होंने तुरंत ही लाइनमैन को फ़ोन किया कि साहब का टेलीफोन आप सही कर दीजिए। तो देखिए कि उनका जो व्यवहार था वो कितनी जल्दी ऐसे मतलब चेंज हो गया। तो कई बार क्या है कि हमारा जो मधुर व्यवहार है, किस जो गुस्सेल प्रवृत्ति के जो लोग आते हैं उसको भी वो चेंज कर सकता है। तो ये हमारे मतलब कंपनी की मतलब घटना है। तो इसमें मैं टेलीफोन कंपनी में कार्यरत हूँ, और उसमें एक अधिकारी ग्रेड पर मैं काम करता हूँ, BSNL कंपनी है। तो इस तरीके से तो उस जो अधिकारी, यदि उसके साथ में वो सही ढंग से बिहेव नहीं करते, तो हो सकता है कि जो ग्राहक है वो टेलीफोन कनेक्शन को कटवा देता, हो सकता है कि वो भी मतलब सही ढंग से व्यवहार नहीं करता। तो कहने का मतलब, हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें तो हमारे जो रिश्ते मतलब बचे रहेंगे। मैं हर बार की तरह आप लोगों से बोलूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएँ दें, जिससे कि मुझे भी मतलब प्रोत्साहन मिले। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे हर बार की तरह बोलूँगा कि मैंने एक मोटिवेशन बुक एक तैयार की है, इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं इसको निःशुल्क प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन को दबाएं। अगेन थैंक यू सो मच।